साहब के नशा निर्देशों के मुताबिक सानू कई बार ट्रैक्टर शिकायतें आ चुकियां सी। इहनू कई बार वार्न भी दे चुके हैं, ये बाज नहीं आया। कल असीं लहेड़ी चौंक दे विच मेरा स्टाफ ट्रैफिक मुलाजम खड़े सी, उन्होंने रोकया। उन्होंने रोकने के मुताबिक भजा के लै गया लहेड़ी रोड से। इहनू बहुत मुशक्कत दे नाल ही लहेड़ी रोड पुल ते जाके रोकया। उत्थे बहुत पब्लिक भी इकट्ठी हो गई, बहुत पब्लिक ने सानू बहुत वधिया काम कहा, बहुत वधिया काम आ जी। किस तरह मॉडिफाई किया है, की ये गलत किया है जी? ये सारे मॉडिफाई गलत तरीके का किया है जी। ये 52 स्पीकर ने जी, 52 स्पीकर। यदि हाइट ट्रक ना उच्ची है जी। की करता सी स्पीकर ना बाजार बाजार आवाज करता जी, उच्ची आवाज के स्पीकर लाता सी, लोगों को प्रदूषण करता सी। हूँ जो बाउंड किया है कि ऑफेंस है, कि किन्ना लगता जुर्माना हो सकता? यदा जी साढ़े हिसाब से लख सवा लख हो जाएगा, बाकी जज साहबान की मर्जी है भी कि करते हैं, उन्होंने निर्भर करता है। अभी फैंस 6-7 लाते जी, तो आर सी ना नंबर है जी, कोई ना आर सी ना इंश्योरेंस आ ना प्रदूषण है। सू पता लगे कि ट्रैक्टर जो अपने कब्जे च लिया थाने च लिया, बड़ी मुसीबत जी हुई थी। असी सर थाने का मेन जो गेट आंसा के नाल उपर जो सा बोर्ड लगे उपर चक इन अंदर वाड़िया जी, इन्नी हाइट है जी। किन्ने फुट तो होना जो ट्रैक्टर है? घट तो घट जी 10-12 फुट की चाई है जी। पहला मामला जी, इन्हू कई बार जी JTB मार्केट के भी असी कहा, उत्थे भी शिकायत आई सानू आम लोगों ने। असी आम लोगों को अपील करते हैं भी अपने बच्चों को बाज करो, गलत काम कर दो, रोको। जो होर भी ट्रैक्टर लैके आने शहर के अपने स्पीकर ना लाने, स्पीकर लाने खेतों में लाने, वो भी धीमी बाज के। असी सारे लोगों को यही अपील करते हैं जी, ज ट्रैफिक रूलों की लंघना ना करो, बुलट मोटरसाइकिल पटाके ना बजाओ, ये बहुत गलत आ, बहुत जुर्माना होया। हाँ जी हाँ, आपने साउंड खोल के गेड़े लाने से जी, जिस तरह ना मार्केट लगे नहीं होता था, डीजे तो भी बंद होंगे। मेरी आवाज बहुत आई, बहुत बड़ा प्रदूषण।